Hi guys and welcome back to my channel. So today's video जो है जो आज की वीडियो मैं बनाऊंगी वो मैं बना रही हूँ सनस्क्रीन पे, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और समर्स आ रहे हैं, तो यू नो सनस्क्रीन इज़ वेरी मस्ट. इवन विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्किन पे सनस्क्रीन, क्योंकि जो बेसिकली जितना डैमेज हमारी स्किन पे है, डार्क स्पॉट्स से लेकर पिगमेंटेशन, ये सब मोस्टली सन डैमेज की वजह से होता है. एंड मोस्टली जब हम सनस्क्रीन्स नहीं लगाते हैं ये इसलिए होता है. तो आज मैं आपको फ्यू, मेरे पास यहाँ 5 अफोर्डेबल ऑप्शंस है सनस्क्रीन के जो मैं आपको बताऊंगी आज यहाँ पे. और फॉर ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, ये सब के लिए मैंने कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस अपने पास यहाँ रखे हैं, तो मैं आप सबसे ये शेयर करूँगी आज. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सनस्क्रीन जो होती है वो मिनिमम आपको कितनी SPF के साथ चाहिए. मिनिमम आपको 25 SPF सनस्क्रीन में चाहिए, जो कि आपको थोड़ी ज़्यादा लंबे समय तक धूप में अगर आप रहें तो आपकी हेल्प कर सकता है. ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि यू नो आप मॉइस्चराइजर के अंदर आपकी सनस्क्रीन ऑलरेडी है और आप स्टिल आगे यूज़ कर सकते, वो मॉइस्चराइजर ऐसे ही लगा के आप धूप में जा सकते हैं और आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. क्योंकि क्या होता है ना कि सनस्क्रीन बनी ही प्रोटेक्शन के लिए है. वो बेसिकली एक अलोन प्रोडक्ट है जो कि हमें लगाना है अपने फेस पे अलग से. देखिए, अगर आप मॉइस्चराइजर में कुछ मिक्स करके लगाते हैं तो वो उसका फुल बेनिफिट हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अलग से और प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि उसे डाइल्यूट कर देंगे. तो आप सोच सकते हैं कि हमें वो कितना इफेक्टिव होगा हमारी स्किन के लिए अगर हम धूप में जाएंगे. तो सबसे बड़ी जो एक चीज़ है मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर SPF ऑलरेडी है, तो मैं आपको ज़रूर एक बात बोलूँगी कि अपना SPF फिर भी लगा के जाइए, अपना सनस्क्रीन फिर भी लगा के जाइए, क्योंकि वो आपको फुल प्रोटेक्शन नहीं देगा. ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ. मेरे पास यहाँ 4 ऑप्शंस हैं क्रीम्स के और एक पाउडर्ड ऑप्शन है, आप क्या लगा सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो जो मेरी फेवरेट है समर्स में, सबसे पहले मैं उससे शुरू करती हूँ. गाइज, ये सबसे पहले मेरे पास है ये लोटस हर्बल सेफ सन UV स्क्रीन मैट जेल अल्ट्रा सूदिंग SPF विद SPF 50 एंड PA++. तो आई लव दिस सनस्क्रीन, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है गर्मियों में बेसिकली, और काफ़ी हद तक मेरी स्किन पे ये वर्क करती है. मेरी ड्राई स्किन है, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट रहेगी. आपको किसी और सनस्क्रीन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बेस्ट सनस्क्रीन है ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि इसका जेल टेक्सचर है. मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ये बिल्कुल मेरी ख़त्म होने वाली है, मैं आपको इसका टेक्स्चर भी दिखाऊंगी अगर इसमें बची होगी कुछ तो. ऑलरेडी ये ओवर हो चुकी है, आई होप कुछ मुझे मिल जाए इसमें से. यस, ये है, आई एम रियली सॉरी, ये इतनी, ओह सॉरी. तो ये देखिए, ये इसका टेक्सचर है, ये इसका जेल टेक्सचर है. ये देखिए, ये आपके स्किन पे इतने अच्छे से, मतलब अगर आपकी ऑयली स्किन है समर्स में तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी. आपके लिए ये बेस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन है, प्लस इसमें SPF 50 है, तो कोई टेंशन वाली ज़रूरत ही नहीं है. बड़ी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है हमारी स्किन पे, हमारी स्किन पे सिट नहीं करती है. गाइज देखिए, हर किसी की स्किन, ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जेल टेक्सचर वाली है, ना ही ये बिल्कुल वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि इसमें वाइटिश ये क्रीम के रूप में नहीं है, ये जेल के फॉर्म में है, क्लियर जेल है. बहुत ही नाइस सनस्क्रीन है. अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो ये बहुत अच्छी है आपकी स्किन के लिए. मेरी स्किन पे थोड़ा सा, मैं वैसे तो ये यूज़ करती हूँ, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा मैंने नोटिस किया है कि मैं जब ये लगाती हूँ तो थोड़ा सा मेरी ड्राई स्किन होने की वजह से थोड़ा ये जेल टेक्स्चर जो है ये मेरे फेस पे थोड़ा सिट करता है, थोड़ा बैठ जाता है, जिसकी वजह से मुझे 2-3 पिंपल्स हो जाते हैं इसकी वजह से. तो वैसे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, थोड़े से पिंपल्स हो जाते हैं इधर उधर, तो इट्स
नॉट अ बिग डील, पिम्पल्स मैं बोल रही हूँ उसको, पिम्पल्स नहीं मीन्स छोटे छोटे दाने हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है. बट मेरे हस्बैंड की ऑयली स्किन है एंड ही लव्स दिस सनस्क्रीन, और वो रोज लगा के जाते हैं, उनको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इससे, उनका फेस बिल्कुल क्लीन है. एंड यू नो उनको स्वेट बहुत आता है फेस पे, तो ये बहुत ही सही है उनके लिए, उनको कोई इशू नहीं होती. ये देखिए कैसे अब्सॉर्ब करके स्किन में, ये बिल्कुल अब्सॉर्ब हो चुकी है बिल्कुल, और ना ही कोई वाइट कास्ट है, कुछ भी नहीं. मैं आपके अपने फेस पे भी आपको लगा के दिखा सकती थी, बट चलिए हाथ पे दिखाती हूँ. ये तो सनस्क्रीन है, कुछ प्रोडक्ट नहीं है. तो ये तो बात हुई, अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है एंड बहुत ही स्वेटी फेस है तो ये आपके लिए बेस्ट है ये लोटस. मैं इन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है. तो दूसरे नंबर पे जो आती है ऑयली स्किन के लिए एंड विंट समर्स में ये सारी स्किन के लिए है, ड्राई स्किन के लिए. समर में जो मैं यूज करती हूँ पर्सनली, जो मेरी फेवरेट है समर्स में ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, ये सबके लिए है, वो है ये न्यूट्रोजीना की ड्राई टच अल्ट्रा शियर सनस्क्रीन. तो गाइज ये SPF 50 प्लस है, वो SPF 50 थी, तो ये मतलब SPF 50 प्लस है, प्लस इसमें कुछ लिखा है हीलियोप्लेक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB PA ट्रिपल प्लस अल्ट्रा लाइट क्लीन फील वाटर रेसिस्टेंट. तो इसमें लिखा है वाटर रेसिस्टेंट, उसमें नहीं लिखा था, इसमें डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है ये. तो इस सनस्क्रीन के बारे में जो मैं आपको बताती हूँ, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं इसे बीच बीच में, उनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, बहुत स्वेटी स्किन है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है उनकी स्किन पे ये, और मेरी ड्राई स्किन है और मेरी स्किन पे भी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. मुझे बिल्कुल इसके साथ कोई भी कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, कोई दाने नहीं, कोई कुछ नहीं. बट मुझे एक चीज़ जो इसमें सबसे जो मुझे थोड़ी अजीब लगी कि इसमें वार्निंग्स दी हुई हैं, तो थोड़ा देख के डर लगता है. इसमें वार्निंग दी है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, नॉट टू बी स्वेलोड, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आईज, डिसकंटिन्यू यूज इफ साइंस ऑफ इरिटेशन और रैश अपीयर. तो थोड़ा सा मुझे ये इस चीज में आ गया कि यू नो लोटस वाली पे ऐसे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये टोटली वार्निंग लेस, क्या बोलेंगे इसे, जो भी बोलेंगे, इस पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट इस पे ऐसी वार्निंग्स दी गई हैं, तो कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, तो ऐसी चीजें हैं. तो मुझे थोड़ा सा इसको देख के हो गया कि अरे यार, ये आई गेस ये क्या, इतने ज्यादा केमिकल्स है क्या इसके अंदर, जो ये इतनी ज्यादा हमारी स्किन के लिए, मतलब इन्होंने इतनी वार्निंग्स दी हुई है इसकी बैक साइड पे. बट आई एम यूजिंग इट और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसका टेक्स्चर इतना अच्छा है, ये भी मैं आपको बताती हूँ. इसे मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, इसका टेक्स्चर देखिए, ये आपको यहाँ से ट्यूब में जरूर ये वाइट दिखेगी, ऐसी निकली हुई क्रीम के रूप में है, ज्यादा हैवी क्रीम नहीं है, बट ये कोई वाइट कास्ट फॉलो नहीं करती है, सॉरी क्या नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है, ये क्या बोल रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा लाइट टेक्स्चर्ड यू नो सनस्क्रीन है, जो कि बिल्कुल भी आपकी स्किन पे लाइक सिट नहीं करती है, बिल्कुल ड्राई टच है. सीरियसली इसके नाम की अकॉर्डिंगली बिल्कुल फेस पे बिल्कुल लाइट है ये, एंड वाइट कास्ट नहीं ये बनाती है आपके फेस पे. एंड देखिए कितनी स्मूथ है और बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा स्प्रेडेबल है एक्चुअली, मतलब थोड़ी सी ये देखिए, ये बिल्कुल ही गायब हो चुकी है मेरी स्किन से. इसको मैं अपनी स्किन पे भी आपको लगा के दिखाती हूँ. तो मतलब ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये दो मैंने आपको सनस्क्रीन्स यहाँ पे बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है लोटस वाली और यू नो इट्स मोर देन इनफ. बस ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेडेबल है स्किन पे, बिल्कुल भी दिखेगी नहीं ये स्किन पे आपकी. और स्वेट तो भूल ही जाइए, जिसका बहुत ज़्यादा फेस पे स्वेट आता है ना, वो ये वाली सनस्क्रीन ट्राई करे, बहुत ज़्यादा अच्छी है, अफोर्डेबल है. अफोर्डेबल मैं उन सब सनस्क्रीन्स को अफोर्डेबल यहाँ बोल रही हूँ जो 500 के नीचे हमें मिल जाती हैं, तो
यस अफोर्डेबल ही है, आपकी स्किन को बचाती है हार्मफुल रेज से। तो ये देखिए पूरी स्किन पे अच्छे से ये अब्सॉर्ब हो गई है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई वाइट कास्ट नहीं रहती है स्किन पे, और बिल्कुल कोई भी, जैसे हम एकदम से सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमें बहुत स्वेटी सी फीलिंग आती है ना जब बहुत गर्मी होती है, वैसी कोई फीलिंग नहीं, बहुत ड्राई लगता है फेस। एंड सेम इज द केस विद ऑयली स्किन पीपल, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी ऑयली स्किन है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से उनकी स्किन पे काम करती है। तो अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो ये दो सनस्क्रीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, अफोर्डेबल हैं, SPF 50 है, इन दो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी स्किन के लिए। चलिए जो मैं थर्ड ऑप्शन आपको दे रही हूँ, मेरी नॉट सो फेवरेट है, काम तो करती है, ये है लैक्मे की सन एक्सपर्ट, ये काम करती है। मैंने ये थोड़ा छोटा साइज लिया है क्योंकि आई वॉज नॉट गोइंग टू यूज इट, तो मुझे फिर वीडियो के लिए मुझे आप लोग को दिखाना था। ये काम करती है, ये भी कुछ हद तक न्यूट्रोजीना जैसी ही है, स्वेटी फील नहीं करती है फेस पे। एक जो इसकी जो मुझे चीज़ पसंद नहीं आई है, इसका सब कुछ बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, मीन्स दोनों स्किन टाइप्स के लिए, नॉर्मल स्किन टाइप भी, ड्राई स्किन टाइप भी और ऑयली स्किन टाइप के लिए भी, सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी, बस इसकी जो एक बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है वो है वाइट कास्ट जो ये फेस पे बना देती है। बस मुझे इसकी एक चीज़ ये ही नहीं पसंद है, ये देखिए ये कुछ ऐसी दिखती है, ये बहुत ज़्यादा फेस को, अगर तो आपका बहुत ज़्यादा आपका फेयर स्किन टोन है या फिर लाइट मीडियम, मेरे जैसा स्किन टोन भी है आपका, तो तब भी ये ओके है आपके लिए। बट अगर आपका डार्क स्किन टोन है या थोड़ा मीडियम थोड़ा डार्किश साइड में है तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको, क्योंकि ये बहुत वाइट कास्ट बनाती है स्किन पे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे हाथ पे इस वक्त नहीं बना रही है पर फेस पे बना देती है, मेरे फेस पे बिल्कुल नहीं दिखता इसका वाइट कास्ट, इसलिए मेरे लिए तो ये टोटली ओके है। अगर आपकी फेयर स्किन टोन है तो देन यू कैन गो फॉर दिस वन, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये भी अल्ट्रा मैट लोशन, लाइट एंड नॉन स्टिकी, बिल्कुल लाइट है, नॉन स्टिकी है, जस्ट जो एक इशू मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ये वाइट कास्ट बना देती है फेस पे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपकी आपको प्रॉब्लम नहीं है वाइट कास्ट से अपनी स्किन पे तो देन गो फॉर दिस वन, थोड़ा सा फेस को ब्राइटन कर देती है। अगर आपकी थोड़ा आपका फेस डल लग रहा है तो थोड़ा सा ब्राइटन भी करती है आपकी फेस को। तो इट्स एन अफोर्डेबल एंड गुड ऑप्शन अगर यू हैव नो प्रॉब्लम विद द वाइट कास्ट एंड ऑल दैट फेयरनेस थिंग। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है इसके साथ, मुझे ये अच्छी लगती है मुझे ये वाली भी, क्योंकि मेरे फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वाइट कास्ट ज़्यादा नहीं बनाती है। पर डार्क अंडरटोन्स, डार्क स्किन टोन्स के लिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस वन तो थोड़ी अगर आपकी डार्क स्किन है तो ये थोड़ा सा वाइट कास्ट आपके फेस पे बनाएगी, ठीक है। चलिए तो ये तो तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास ऑयली स्किन के लिए, ठीक है, ड्राई स्किन ऑयली स्किन दोनों यूज कर सकते हैं, ये जो है नॉर्मल स्किन एज वेल, ओके। तो ये जो तीन ऑप्शंस है ये तो हो गए वो, अब मैं आती हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए, और जो मुझसे पूछते हैं कि हमें केमिकल फ्री सनस्क्रीन चाहिए अफोर्डेबल ऑप्शन में, तो ये मेरे पास एक बायोटिक की एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो कैरेट 40+ SPF UVA UVB सनस्क्रीन अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन है, जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए लिखा गया है यहाँ पे, बट ये ऑयली स्किन के लिए नहीं है। आप ये देखिए, ये ड्राई स्किन के लिए है बेसिकली, तो ये मुझे विंटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। विंटर्स में मैं सिर्फ ये ही यूज़ करती हूँ और कोई नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है फेस पे, बहुत ज़्यादा अच्छी सी बहुत अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है ये विंटर्स में, एंड समर्स में तो ओवरली मॉइस्चराइज कर देती है, तो समर्स में मैं इसे थोड़ा कम यूज़ करती हूँ।
मैं आपको बताती हूँ। और इसमें भी व्हाइट कास्ट नहीं होती है, अभी लाइट सी क्रीम है ये, भी बहुत ही लाइट सी क्रीम है ये, देखिए इसको मैं अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ आपको, बहुत लाइट है एंड इसका टेक्सचर ज्यादा थिक नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है ये स्किन पे। गर्मियों में थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ओवरली मॉइस्चराइज कर देती है स्किन को, तो गर्मियों में मैं इसे कभी कभी लगाती हूँ जब मेरा दिल करता है, जब मुझे लगता है कि मौसम सही है, ज्यादा गर्मी नहीं है। प्लस एक चीज मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगती है, अगर अभी आप देखेंगे मेरे चेहरे में एक ग्लो आ गया है, ये ग्लो आपका रहेगा पता है, ये आपका बहुत देर तक रहेगा आपके फेस पे, ये पता नहीं मुझे क्यों, ये बहुत ही अच्छा इसका ग्लो है। आप देखिएगा मेरी स्किन पे अभी, अगर आपको दिख रहा है तो ये ग्लो बहुत अच्छा एक स्किन पे ग्लो दे देती है। और इसमें तो लिखा है कि ये टोटली केमिकल फ्री है, इसमें जो इन्होंने प्रोडक्ट्स बताए हैं उसमें कहीं भी मुझे केमिकल का कोई भी नाम मुझे नहीं दिख रहा है। इसमें ऐसा लिखा है कि दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट हैज थेरापेटिक प्रॉपर्टीज, मींस इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि आपकी स्किन को और अच्छा करेंगी दिन ब दिन। तो वेरी गुड ऑप्शन जिसको भी नेचुरल सनस्क्रीन के साथ जाना है, एंड यू नो अगर आपको आपकी स्किन जो है ओवरली ऑयली नहीं है, वैसे तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी गर्मियों में, तो मैं ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी ऑयली स्किन लोगों को, ये ड्राई स्किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। एंड सर्दियों में ऑयली स्किन पीपल इसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू, तो इट्स 100% आयुर्वेदिक रेसिपी ऐसा लिखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 100% आयुर्वेदिक कोई भी सनस्क्रीन नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली सनस्क्रीन वर्क करती है क्योंकि उसमें फ्यू सर्टेन चीज़ें डाली जाती है, केमिकल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से हमारी फेस की प्रोटेक्शन होती है रेस से, हार्मफुल रेस से। तो थोड़ा सा इसके लिए मुझे डायलेमा इसमें लगता है कि यू नो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी सन में, बट एज यहाँ लिखा है कि SPF 40 प्लस है, मैं इसे लगाती रही हूँ पूरी विंटर्स, मैंने इसे यूज़ किया है, सन में गई हूँ, मेरे को सन डैमेज इतना फील नहीं हुआ है, बट इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्किन टाइप्स। तो या इसका ये रिव्यू है, बहुत स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई बना देती है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप बहुत ज़्यादा इसे पसंद करेंगे, तो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए जी, तो लास्ट ऑप्शन जो मेरे पास है इस वक्त वो पाउडर्ड फॉर्म में है, तो मैं बात कर रही हूँ लैक्मे सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट पाउडर की, जो कि SPF 40 के साथ है, आई गेस यस SPF 40 एंड PA ट्रिपल प्लस। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बात याद रखिएगा, पाउडर्स कभी भी यू नो फुल प्रोटेक्शन आपको नहीं देंगे सन में, क्योंकि जो क्रीम होती है वो हम पूरे अच्छे से अपने स्किन पे हर पार्ट पे हर एरिया पे लगा लेते हैं, पर पाउडर वैसा नहीं करता है एंड फुल प्रोटेक्शन आपको नहीं देता है। मैं पाउडर आपको तब सलाह करूंगी जब यू नो ये कुछ ऐसा दिखता है, एंड सॉरी आई जस्ट, और ये कुछ ऐसा इसका है, बहुत ही स्टाइलिश और अच्छा सा, एंड इसमें ये पफ है आपको मिलेगा, ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं। तो इस चीज़ से मैं इम्प्रेस्ड हूँ लैक्मे के इस पाउडर से, बिकॉज ये वाइट कास्ट नहीं आपकी स्किन पे बिल्कुल भी बनाता, एंड या तो गाइज ये मैं पाउडर इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि जैसे हम मेकअप लगाते हैं, हम सनस्क्रीन अंडरनीथ लगाते हैं, ऊपर मेकअप लगाते हैं, देन यू नो हम सन में जाते हैं, तो और ज़्यादा प्रोटेक्शन और स्वेट से बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके पास, इसको आप यूज़ कर सकते हैं यू नो स्वेट वगैरह से बचाने के लिए अपने फेस को। तो मैंने क्यों शेयर किया है, जैसे कि बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम लगाते हैं हमारे, देखिए अब मेरे मुंह पे स्वेटिंग होने लगी क्योंकि मैंने ये बायोटिक वाला यूज़ किया है, ये यही इसकी इशू है थोड़ी सी गर्मियों में, मुझे स्वेटिंग करता है थोड़ा फेस पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है।
वाइटिक वाले की ये प्रॉब्लम आएगी आपको अगर आप समर्स में यूज करें। विंटर्स में इसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है विंटर्स में। विंटर्स में तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इसे ही यूज कीजिए आप लोग, क्योंकि सन भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है विंटर्स में। तो जैसे मेरे फेस पे स्वेट आ गया है बहुत ज्यादा, तो अब क्या करें आप कि आप अपने पर्स में इसे रखें, एंड जब भी आपको लगता है कि आपके फेस पे स्वेटिंग हो रही है, सिंपली आप इसको यहाँ से ये पाउडर लीजिए, ठीक है। चाहे आप ब्रश से लगाइए, मुझे ये पफ अच्छा लगता है, मैंने ज्यादा ही ले लिया है, ठीक है। बस इसको अपने फेस पे अच्छे से डैप कर लीजिए। बेस्ट चीज इसकी ये है, ये आपके फेस को वाइट नहीं करेगा, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मुझे अच्छा लगता है ये लैक्मे का पाउडर, इसमें लैक्मे ने बहुत अच्छा काम किया है। बस सिंपली इसे स्वाइप मत कीजिएगा, ताकि आपका अंडरनीथ जो भी आपने सनस्क्रीन लगाई है वो ना कहीं आपकी जाए। बस इसे डैप कीजिए फेस पे अच्छे से, बिल्कुल आपके फेस को मैट लुक दे देगा। गर्मियों में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली स्वेट किसी को अच्छा नहीं लगता फेस पे। मेरे फेस पे थोड़े से पिंपल्स, थोड़े से नहीं, एक पिंपल हो रखा है, एंड उसको मैं नहीं डैप कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन्फेक्शन हर जगह नहीं फैलाना चाहती हूँ अपने पिंपल का। तो इट्स टोटली स्वेट फ्री, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन है। नाइका पे बहुत इसकी सेल लगती है, तो आपको ये 195 के अराउंड मिल जाएगा आपको, और चलेगा बहुत अच्छे से। तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ अपने पास, जब भी मुझे लगता है मेरा फेस स्वेट कर रहा है तो मैं ये निकाल के इसका एक लेयर अपने फेस पे लगा लेती हूँ, एंड बहुत अच्छा फील होता है। काफ़ी टाइम तक मुझे स्वेटिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है समर्स में, एंड क्योंकि इसके अंदर SPF 40 है, तो एडेड बेनिफिट, यू आर गेटिंग अ सनस्क्रीन, यू आर गेटिंग अ शील्ड ऑन योर फेस, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, ये बहुत अच्छा मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया है कि अगर आप अपनी सनस्क्रीन लगाती हैं, ये वैसे तो ये जो सनस्क्रीन्स मैंने आपको, ये दो सनस्क्रीन्स तो बिल्कुल आपको स्वेट नहीं देंगे फेस पे। अगर आपको बाय चांस बहुत ओवरली स्वेटी फेस है आपका, फिर भी आपको स्वेट आता है, देन ये अपने पर्स में रखिए, इसे लगाइए, जब भी आपका दिल करता है इसे पैट कीजिए, एंड ये क्योंकि ये वाइट कास्ट ये नहीं फॉलो करता, एक ब्राउन कलर का पाउडर है जो कि बहुत अच्छे से आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, बहुत अच्छा फील होता है, बिल्कुल भी आपकी स्किन को ओवरली ड्राई नहीं करेगा, या फिर यू नो वाइट कास्ट नहीं ये बनाएगा आपकी स्किन पे। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, इसे ज़रूर रखिएगा गर्मियों में अपने पास। जैसे आप कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या कहीं भी बाहर आप जा रहे हैं, आपके फेस स्वेट हो रहा है, जस्ट ओपन दिस एंड जस्ट टैप इट ऑन योर फेस, एंड आपको फुल प्रोटेक्शन मिल जाएगी सन से भी, और प्लस आपका फेस भी बहुत मैट लुकिंग और बहुत अच्छा लगेगा। ये पोर्स को भी थोड़ा ब्लर कर देता है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो ये थे सारे ऑप्शंस गाइस सनस्क्रीन्स के, एंड जो भी मैंने चीज़ें यहाँ यूज़ की है मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। ऑयली स्किन के लिए मैं आपको इसलिए अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मेरे खुद के जो हस्बैंड हैं उनकी फुल ऑयली स्किन है, एंड बहुत स्वेटी फेस है उनका, तो उनके लिए ये दो सनस्क्रीन बहुत अच्छी जाती हैं। तो अगर आपका ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है एंड बहुत स्वेटी फेस है, तो ये दो में से कोई एक आप ट्राई कर सकते हैं, एंड उसमें से ये और भी बेटर है। वैसे तो दोनों बेटर है, मैं दोनों को इक्वली रेट करूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे वार्निंग्स वो जो मिली थी उसकी वजह से मुझे थोड़ी इसकी आती है, तो दोनों बेटर है, कोई भी चूज कीजिए, बेस्ट है। एंड ड्राई स्किन के लिए ये है विंटर्स में, एंड या बाकी ये लैक्मे वाली भी नॉट बैड, अच्छी है। अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है, या मेरे से थोड़ा सा भी मीडियम में की तरफ जा रहा है आपका, या लाइट है, तो बेस्ट है आपके लिए, ये भी बहुत अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है। एंड दैट्स इट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत हेल्प मिलती है आपकी लाइक्स से, एंड सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, बेल आइकन दबाइएगा ज़रूर, एंड शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो, है ना। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार,
इंस्टाग्राम खाली पड़ा मेरा, शुरू करें इंस्टाग्राम पे भी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि विटामिन सी जो 20%, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया बनाना बताइए, तो फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे छोटी छोटी वीडियो सारी बनाऊंगी मैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए, गिव इट अ थम्स अप एंड लव यू ऑल, बाय बाय।